from Asian Paints Tally, the troubleshooters. Here is a demo for you all of Asian Paints Tally, which is a GST ready software. सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे हमारी कंपनी एशियन पेंट्स डेमो. सबसे पहले हमें यहाँ पर जी डेटा अपडेट करना होता है. जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक ऑप्शन है जी डेटा अपडेट्स. जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा जी डेटा अपडेट हो रहा है. जी डेटा अपडेट होने का मतलब है कि हमारे जितने भी स्टेट वाइज जो आइटम्स रहते हैं एशियन पेंट के प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी इसमें अपडेट हो जाते हैं. हमें एक भी आइटम ऐसा नहीं होता है जो मैन्युअली फीड करना पड़े. ये हमारा जी डेटा अपडेट हो चुका है. इसके बाद हमें करना होता है सेलिंग प्राइस अपडेट. सेलिंग प्राइस अपडेट से इसका इफेक्ट होता है कि हमारे जितने भी एशियन पेंट्स के आइटम्स रहते हैं हम उन पर एक साथ मार्जिन सेट कर सकते हैं और इसके साथ ही हम अपने वैट जो लगाते हैं हम वो भी इसमें अपडेट कर सकते हैं. ये देखिए यहाँ पर जैसे ही हम इस पर अपडेट सेलिंग प्राइस इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा मार्जिन का. हम अगर चाहें तो मार्जिन यहाँ पर वैल्यू वाइज भी सेट कर सकते हैं, अदरवाइज हम परसेंटेज भी सेट कर सकते हैं. मैं यहाँ पर 8% मार्जिन सेट कर रही हूँ. डिस्काउंट अभी कुछ हम देना नहीं चाहते. ये हमारा DPL कॉस्ट पे सेट होता है. ये हम इसको 1/4/17 से एप्लीकेबल करेंगे. राउंडिंग मेथड को अभी हम नो ही रहने देंगे और अपडेट सेलिंग प्राइस आइटम पे क्लिक करेंगे यस. ये हमारी सेलिंग प्राइस अपडेट हो रही है. ये देखिए सर ये हमारी यहाँ पर सेलिंग प्राइस अपडेट हो गई है. सभी हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं 8% पे सब पे मार्जिन सेट हो गया और उनकी सेलिंग प्राइस भी अपडेट हो चुकी है. अगर हम यहाँ पे चाहें तो कई आइटम्स पे 8% भी सेट कर सकते हैं और कई आइटम्स पे जो अदर हमारी मार्जिन है वो भी सेट कर सकते हैं. अभी हम इसके बाद करेंगे बिलिंग. बिलिंग मतलब हमें इनवॉइस बनाना है एक. जैसे अगर हम चाहें यहाँ पे तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर का जो नेम है वो भी ऐड कर सकते हैं जो हम कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू सेल्स करते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे CON एक कॉन्ट्रैक्टर का नेम ऐड कर रखा है. ये देखिए सर यहाँ पर जितने भी आइटम्स हैं 4704 के अक्रॉस है ये आइटम्स. ये सब ऑटोमेटिक फीड है, मैंने इनको मैनुअली फीड नहीं किया है. मैं एक शेड कोड जो भी है ये सेलेक्ट करूँगी. इसमें ट्रैक्टर इमल्सन प्रोडक्ट है ये सेलेक्ट करूँगी. इसके बाद नेम ऑफ आइटम ये भी सेलेक्ट हो गया. यहाँ पर ये जो आपको शो हो रही है स्क्रीन इसका मतलब है हमारे जो कलरेंट्स मिले हुए हैं इस आइटम में उनकी क्या रेट्स है. एंटर करेंगे. यहाँ पर हम क्वांटिटी लिखेंगे, इसे एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे. यहाँ पर हम वैट भी लगा सकते हैं. ये हमारा इनवॉइस जनरेट हो चुका है एक. और हम प्रिंट लेना चाहें तो प्रिंट भी ले सकते हैं और ये प्रिंट जो है हमारा इस तरीके से निकलेगा सेल्स इनवॉइस. इसके बाद हम एस्टिमेशन पे आएंगे. एस्टिमेशन मींस जो हमारा स्टॉक हम बिलिंग तो करते हैं लेकिन इसका हमारे स्टॉक पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, नेगेटिव स्टॉक रहता है बिल्कुल हमारा. और सेल्स रिटर्न यहाँ पर हम सेल्स रिटर्न कर सकते हैं जो हमारी एंट्रीज रहती हैं.
परचेज, हम अदर जो परचेज करते हैं एशियन पेंट के अलावा, उनकी हम परचेज की एंट्रीज यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी कैश में एंट्री की है, बैंक में नेम ऑफ आइटम ये सेलेक्ट किया, ये आपका परचेज का बिल जनरेट हो चुका है। अब हम एशियन पेंट की जो हमारी परचेज होती है, सबसे मेन फीचर है ये एशियन पेंट गेटवे ऑफ टैली का परचेज इम्पोर्ट, जो कि हमें जीएसटी में भी बहुत बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं जीएसटी में 3 रिटर्न्स फाइल होंगी, तो ये हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे। ये डीलर कोड रहता है सर हमारा, जैसे ही आप अपना डीलर कोड एंटर करेंगे यहाँ पर, डीलर कोड एंटर करने के बाद में आप अपना पीरियड लिख सकते हैं कि कौन से पीरियड का आपको इम्पोर्ट करना है बिल, और जैसे ही हम यहाँ पर ये जो डिटेल्स है फिल करते हैं, इसके बाद में हमारी परचेज इम्पोर्ट हो जाती है। ये हमारा रेट कार्ड का ऑप्शन रहता है सर, एशियन पेंट ने हमें रेट कार्ड का ऑप्शन दिया है। इसके थ्रू जैसे ये L12 हमने ये सेलेक्ट किया एक आइटम, ये हमने एक शेड कोड सेलेक्ट किया है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये शेड कोड कौन कौन से प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है और उसकी क्या रेट रहेगी। ये देखिए सर, यहाँ पर ये सभी प्रोडक्ट नेम्स हैं और ये इनका शेड कोड है, जो कि आपको 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, इन सब लीटर्स में क्वांटिटी में अवेलेबल रहेगा, तो आपको ये बेनिफिशियल रहेगा। एस्टिमेटेड रजिस्टर में आपने जो एस्टिमेशन में एंट्रीज की है, जो बिल एस्टिमेशन में बनाए हैं, वो आपको एस्टिमेट रजिस्टर में शो होंगे। इसके बाद मास्टर स्टॉक का ऑप्शन रहता है सर, मास्टर स्टॉक्स के थ्रू जो आपने ऐसे बिल हैं जो कि आपने एशियन पेंट्स को अभी तक सेंड नहीं किए हैं, जो आपके कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जो सेल्स रहती है, आपके मास्टर मास्टर पॉइंट जो रहते हैं, वो आपने एशियन पेंट को नहीं सेंड किए हैं, तो आप यहाँ से उनको सेंड कर सकते हैं। सेंड दिस पे क्लिक करके ये सेंड कर सकते हैं और ये यहाँ से सेंड हो जाते हैं। आप यहाँ पर सेंड आइटम में वो देख सकते हैं जो आपने सेंड किया है। कॉन्ट्रैक्टर की सेल्स आप यहां पे देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आप कितनी सेल्स कर चुके हैं, तो आपको एक अलग से डेटा मेंटेन नहीं करना पड़ेगा कि आपका मास्टर स्टॉक कितना है, कॉन्ट्रैक्टर की सेल्स कितनी है, वो सब। और अदर रिपोर्ट्स है सर, इसमें आप देख सकते हैं डेली के ट्रांजेक्शन की, आपने कितने ट्रांजेक्शन किए हैं वो आप देख सकते हैं, सेल्स, परचेज, कैश, डेली समरी है। आप इसमें देख सकते हैं सर कि आपने एक स्पेसिफिक डेट को कितनी परचेज की है, कितनी सेल्स की है, इस दिन आपके कितने रिसीवेबल्स थे, पेबल, परचेज रिटर्न कितनी हुई थी, सेल्स रिटर्न और नेट सेल्स आप देख सकते हैं, और नीचे आपको कैश और बैंक की पोजीशन का भी पता चल सकता है इससे। स्टॉक समरी है सर, इसमें आप स्टॉक समरी में देख सकते हैं कि एशियन पेंट का और अदर कोई अगर आपने स्टॉक मेंटेन कर रखा है एशियन पेंट के अलावा, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका कितना स्टॉक अवेलेबल है। ये देखिए सर, आप लेज़र वाइज रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं, जैसे अगर आपको मोहित के सेल्स चेक करनी है या फिर उसके इनवॉइसेस चेक करने हैं कि आपने उसके साथ क्या क्या ट्रांजेक्शन किए उनके साथ, तो आप ये सब चेक कर सकते हैं लेज़र वाइज रिपोर्ट में आके कि आपने मोहित से कितने ट्रांजेक्शन्स किए हैं। बिल्स आउटस्टैंडिंग, अगर आपके कोई बिल आउटस्टैंडिंग है जिनका पेमेंट अभी तक नहीं आया है और कौन से पीरियड का आप देखना चाहते हैं, तो वो आप देख सकते हैं कि एशियन पेंट का ये है, इसका पेंडिंग अमाउंट आपका इतना चल रहा है। स्कीम्स में आपकी अर्निंग्स हुई है, ये आपको कभी भी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब आप परचेज इंपोर्ट करते हैं तो उसी समय ये स्कीम्स भी इंपोर्ट हो जाती है, और आप देखना चाहते हैं कि मेरी स्कीम्स में अर्निंग्स कितनी हुई है, कौन से ईयर में हुई है, तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सेल्स रजिस्टर है सर, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी कौन से मंथ की कितनी सेल्स हुई है। अगर आप ब्रीफली देखना चाहते हैं तो आप एंटर कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल्स इसमें मिल जाएगी। परचेज रजिस्टर है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं सर, जैसे सेल्स रजिस्टर था वैसे ही परचेज रजिस्टर में आप परचेज चेक कर सकते हैं अपनी टोटल की कितनी परचेज हुई है। डैशबोर्ड हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है सर, इसमें आप एक जो हमारी समरी होती है वो चेक कर सकते हैं कि इस पीरियड में हमारा कितना कैश का बैलेंस, रिसिप्ट कितनी हुई थी, पेमेंट, इनकम, एक्सपेंसेस, परचेज एंड सेल्स, नेट प्रॉफिट, आउटस्टैंडिंग, ये सब चेक कर सकते हैं सर।
स्टॉक आइटम, यहाँ पर सर हम एक स्टॉक आइटम भी बना सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए आप एशियन पेंट के अलावा सेनेटरी का भी काम करते हैं, देन आप यहाँ पर एक टूल्स बना सकते हैं। ये देखिए सर, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है एशियन पेंट की टैली में सिर्फ आप एशियन पेंट का ही वर्क करें, आप अदर कोई भी वर्क करते हैं वो भी आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं उसका डेटा भी। लेज़र्स, आप लेज़र्स बना सकते हैं, जैसे राम की लेज़र बनानी है मुझे जिससे मैं सेल कर रही हूँ, तो ये देखिए मैं उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे फिल कर सकती हूँ। ये हमारी राम की लेज़र बन गई है। सेलिंग प्राइस अपडेट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। टूल्स, ये था सर आपका एशियन पेंट टैली डेमो, जो कि आपके जीएसटी रिगार्डिंग बहुत ही बेनिफिशियल है। आपके जीएसटी की इसमें रिपोर्ट्स भी आपको मिल जाएगी, वो मैं आपको दिखा सकती हूँ यहाँ पर। ये देखिए सर, डिस्प्ले में हम आएंगे, स्टेचुरी रिपोर्ट्स, वैट, वैट फॉर्म 10। ये देखिए सर, आपकी वैट रिपोर्ट भी यहाँ पर तैयार हो गई है। तो जो टैली है, एशियन पेंट टैली, ये जीएसटी रेडी सॉफ्टवेयर है। आप इसे डायरेक्टली ई रिटर्न भी कर सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं सर आप इससे, और आपके जो भी फॉर्म्स वगैरह हैं वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। आपको कोई भी फॉर्म इसमें ऐड नहीं करना पड़ेगा अलग से, ये सारी रिपोर्ट आपको इसमें मेंटेन होगी। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग एशियन पेंट टैली डेमो फ्रॉम द ट्रबल शूटर्स।